लाल कुआं में गौला नदी के भूकटाव को रोकने के लिए विधायक मोहन सिंह बिस्ट ने अपने दम पर दो पोकलेन मशीनें नदी में उतार दी। मशीन नदी के पानी को डाइवर्ट करेंगी जिससे भूकटाव रोकने में मदद मिलेगी। लाल कुआं के बिंदुखत्ता में लोगों की मांग पर गुस्साए विधायक डॉक्टर मोहन बिस्ट अपने खर्च पर 3 पोकलेन मशीनों के साथ गौला नदी में उतर गए और पानी को आबादी की तरफ से डाइवर्ट करने में जुट गए। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी गौला नदी में पहुंचे। दरअसल शासन द्वारा नदियों के चैनलाइजेशन का काम करवाने के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद विधायक बिस्ट ने अपने ही दम पर नदियों के चैनलाइजेशन का काम शुरू करवाया। अब विधायक का यह कदम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। कई दिनों से कह रहे थे जब वो कोई कार्य नहीं हुआ तो उसके बाद हमने आज जाके स्वयं जो है वहाँ पर गौला को चैनलाइजेशन करने का काम किया है। और चूंकि लगातार बिंदुखत्ता क्षेत्र में भूमि का कटाव हो रहा है और जमीनें लोग बह रही हैं तो और अधिक दिन तक इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए मजबूरी में जो है हमें वहाँ पर पोकलेन में लगाकर डाइवर्जन का काम शुरू करना पड़ा। जनता की प्रति हमारी उत्तरदायी है, हम जनता के तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोगों की जानमाल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और उस पर लगातार हम काम करते रहते हैं। हम विगत नवंबर के महीने से हमने इस वर्ष नदी में चैनलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट भेजा था, उसमें हमें पैसा नहीं मिल पाया। उसके बाद हम लोग लगातार अपने मार्च के महीने से विभागों के वन विभाग के और जिलाधिकारी के कुमाऊं कमिश्नर के हम संपर्क में थे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर दिक्कत रहती है, तो हमने उनसे लगातार हम इसमें जो है वहाँ पर चैनलाइजेशन का काम बाढ़ सकते कार्य करने के लिए कहते रहे, लेकिन उसमें विलंब होता चला गया। और अभी जब ज़्यादा बरसात आई तो भूमि का कटाव वहाँ पर हो गया, तो हमने इसी बात को लेकर कल दिशा की बैठक में भी हमारी अधिकारियों से बात हुई थी। हमने उसमें कहा कि विलंब होता जा रहा है और कभी भी जो मौसम विभाग है उसके द्वारा लगातार जो है भारी से भारी बारिश का अलर्ट दिया जा रहा है। और इस बार हमारे क्षेत्र में दिक्कत थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो देवखड़ी नाले का पानी लालकुआ नहर में मिलाया है वह पानी पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। विगत दिवस मेरे क्षेत्र में स्कूल बन रहे हैं, लालकुआ रेलवे स्टेशन में पानी भरने से 3 दिन वहाँ पर ट्रेनों का यातायात बाधित रहा है। तो इस सब को देखते हुए हम एहतियात के तौर पर तुरंत कार्य करने के लिए लगातार बोल रहे हैं और उसी के अनुसार जो है हम लोग आगे की कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।